हेलो एवरीवन, आई एम शेखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए के रिगार्डिंग, सीएसआईआर नेट जीआरएफ लाइफ साइंस का पार्ट ए। पार्ट ए हमारा 30 मार्क्स का आता है एंड पार्ट ए में हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 में से हमें 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हमारा पार्ट ए फुल होता है 30 मार्क्स का। सो स्टूडेंट्स के मेल्स आते हैं, मैम पार्ट ए कैसे कवर करें। कमेंट्स आते हैं, मैम पार्ट ए के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पार्ट ए के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने सीएसआईआर 2 टाइम्स क्वालिफाई किया था। फर्स्ट टाइम मेरा 18th रैंक आया था एंड सेकेंड टाइम मेरा 61 रैंक आया था। सो हुआ क्या था, फर्स्ट टाइम मैंने पार्ट ए के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था बिकॉज मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली मुझे मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, एप्टीट्यूड सॉल्व करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यही रीज़न था जिस वजह से मैंने जेनेटिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था एंड जेनेटिक्स में मैं फुल करके गई थी। सो मैथ्स बहुत पसंद था। सो मैं मोस्टली पार्ट ए को पिक करती रहती थी विद इन अ वीक, आफ्टर 15 डेज पार्ट ए को पिक करती थी, उनके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से उनके क्वेश्चन सॉल्व करती थी एंड प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। बट जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया सीएसआईआर का, ये बात मैंने रियलाइज करा कि जो सब मैंने प्रिपरेशन किया था पार्ट ए के लिए, उस प्रिपरेशन का उस वक्त कोई यूज नहीं आया। यूज क्यों नहीं आया, बिकॉज हमारा सीएसआईआर का जो पेपर होता है वो बहुत लेंथी होता है, हमें पार्ट सी पार्ट बी इनको सॉल्व करने में फुल टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पार्ट ए के लिए इनफ टाइम नहीं मिलता। एंड पार्ट ए के लिए इनफ टाइम मिलता भी है तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रैंडम आते हैं, कोई टॉपिक डिसाइड नहीं होता, बहुत रैंडम क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं और जो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं वो आप विदाउट एनी प्रिपरेशन सॉल्व कर सकते हो। सो इफ बहुत ईजी क्वेश्चन को और एवरेज क्वेश्चन को हम विदाउट एनी प्रिपरेशन सॉल्व कर सकते हैं, सो हमें पार्ट ए में कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। सो फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि पार्ट ए में जो मैंने टाइम कंट्रीब्यूट किया अपना प्रिपरेशन में वो बहुत वेस्ट रहा टाइम। देन सेकंड टाइम जब मैंने सीएसआर का एग्जाम दिया तो मैं पार्ट ए को टच भी नहीं करके गई एंड देन आई गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 30। सो ये बहुत रैंडम रहता है, आप प्रिपरेशन करके जाएं पार्ट ए में या प्रिपरेशन करके ना जाएं, क्रिएट नो डिफरेंस, बहुत रैंडम रहता है। बट स्टिल स्टूडेंट पैनिक होते हैं कि हम पार्ट ए के लिए क्या प्रिपेयर करें। पार्ट ए 30 मार्क्स लेता है सीएसआईआर में। 30 मार्क्स मीन्स 15% पार्ट ए ले रहा है सीएसआईआर में एंड 15% एक अच्छा खासा वेटेज है। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज पैनिक रहते हैं पार्ट ए के लिए क्या प्रिपेयर करें, पार्ट ए को फुल स्किप करके नहीं जा सकते। सो आप पार्ट ए में जो मुझे लगता है कि सीरियसली अच्छा प्रिपरेशन रहेगा वो आप कुछ टॉपिक्स हैं उनके फॉर्मूलाज जस्ट देख के जा सकते हो। अदरवाइज पार्ट ए में इफ आप प्रैक्टिस करेंगे बुक्स में से, डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड्स की, जनरल एप्टीट्यूड्स की बुक्स में से प्रिपेयर करेंगे पार्ट ए, क्योंकि मैंने खुद ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से प्रिपेयर किया था। बट सीरियसली इफ आप पार्ट ए स्किप करके जाएंगे, इट मीन्स क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। इवन आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और उस टाइम में आप जो आपका लाइफ साइंस के 13 यूनिट्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पार्ट ए स्किप करके जाएं। पार्ट ए में आप जो प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज। आप एक पेपर लीजिए, पेपर्स पे फॉर्मूलाज लिखिए, क्लॉक के, कैलेंडर्स के, साइक्लिसिटी के, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, इन सबके फॉर्मूलाज आप सिंपल एक पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ही इजी हैं, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल में जब मैथमेटिक्स सीखा था जब करे थे, ये सब फॉर्मूलाज आप एक बार रीड करके जा सकते हैं, जिससे कि आपको जब वहाँ माइंड में क्लिक हो तो आप वहाँ पे उसको सॉल्व कर लें। सो पार्ट ए के लिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप पार्ट ए के लिए एक A4 शीट लीजिए और उस पर फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, एक A4 शीट में फुल फॉर्मूलाज नोट हो जाएंगे, देन उसको पेस्ट कर दीजिए और आप कभी कभी उन फॉर्मूलाज को देख लीजिए, जिससे कि आपके माइंड में रहे कि ये सब फॉर्मूलाज हैं जो जनरल फॉर्मूले हैं, एंड देन आप उसको बस रीड करके जा सकते हो। अदरवाइज जो आप प्रैक्टिस करोगे पार्ट ए के लिए बुक्स में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, तो वो बहुत वेस्टेज रहेगा।
आप जो बिल्कुल लास्ट ईयर का पेपर है, जैसे अभी 2020 का जो पार्ट ए का जनरल एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर सकते हैं, वो 20 क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज सीएसआईआर में क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस रहते हैं, तो वहां से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। जो 2020 का पार्ट ए है उसका फुल पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, सो वहां से आप 2020 का पार्ट ए सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज 2020 के अलावा आपको पार्ट ए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कुछ फॉर्मूलास नोट डाउन करिए, उन फॉर्मूलास को पढ़ना एंड देन 2020 का पेपर सॉल्व करके आप पार्ट ए के लिए इजिली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पार्ट ए बहुत रैंडम होता है, बहुत रैंडम क्वेश्चन आ सकते हैं, सो आप प्रिपेयर करके जाएंगे भी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। एंड स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन और होता है, मैम पार्ट ए के लिए हम टाइम कितना दें, बिकॉज पार्ट ए ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उसको रीड करना पड़ेगा, अच्छा ये इसके ट्वाइस है, ये इसके थ्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बना के उसका आंसर टिक करना होगा, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। सो आप कभी ऐसी गलती ना करें कि आप क्वेश्चन में आते ही पार्ट ए सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, पार्ट ए हमेशा एंड में सॉल्व करें एंड 15 मिनट से ज्यादा पार्ट ए को देना ही नहीं है, मैक्सिमम होना चाहिए 15 मिनट्स, वो भी जब जब आप फुल पेपर कर चुके हैं, आप अपना बी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप अपना सी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, देन आप 10-15 मिनट्स पार्ट ए को दे सकते हैं। एंड पार्ट ए को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको 20 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट आप सोच के चलिए कि 20 में से 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, हमारे पास 10 की ही चॉइस है और 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, ओके? सो आपको क्या रहेगा, पैनिक नहीं होगा, और आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो सकता है, डाइस से रिलेटेड है या सीक्वेंस से रिलेटेड है, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। बट इफ आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है सिलेंडर स्क्वायर, तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, वो सॉल्व हमसे नहीं हो सकता चाहे हम कितना ही कोशिश कर ले, तो वहीं उस क्वेश्चन को क्रॉस कीजिए, वहीं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, फालतू में उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। पार्ट ए में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के माइंड मेकअप से जाना है कि हमें ओनली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, इफ आपसे और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अपने नेगेटिव मार्क्स मत लीजिए पार्ट ए में, बिकॉज पार्ट ए में यूजुअली ऐसा होता है कि या तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है या एवरेज है या बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आने का सोच भी नहीं सकते इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो अब जो बहुत हार्ड क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, एवरेज होता है तो सही है नहीं तो कोई नहीं, बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कीजिए, एटलीस्ट आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं बनेगा और सिंपल क्वेश्चन से आपका नंबर भी आ जाएंगे। ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है पार्ट ए के लिए कि पार्ट ए में सिर्फ एक बार फॉर्मूला रीड करके जाइए एंड 2020 का जो अभी क्वेश्चन पेपर आया है उसको सॉल्व करिए पार्ट ए का, एंड थर्ड की पार्ट ए के क्वेश्चन सिर्फ आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, इस माइंड मेकअप से जाइए, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप 7-8 क्वेश्चंस आप बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करें पार्ट ए में, बिकॉज पार्ट ए से फिर स्कोर इंप्रूव होने का चांसेस रहते हैं। बट इफ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप नेगेटिव मार्क्स एड ना कीजिए पार्ट ए के लिए एंड उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, एंड इस तरीके से आप पार्ट ए अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट पार्ट ए अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि पार्ट ए हम प्रिपरेशन करके नहीं आए तो फुल कंप्लीट पार्ट ए ही छोड़ दिया। पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आप उनको छोड़ देंगे और आपको जब पता चलेगा कि इतना इजी क्वेश्चन था बाद में तो सीरियसली आपको बहुत रिग्रेट होगा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए में जो 40% क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं एंड जो हमारे 30% आते हैं वो एवरेज आते हैं, 30% हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से पार्ट ए को अटेम्प्ट कीजिए। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करे पार्ट ए को अटेम्प्ट करने के लिए, सो बेस्ट ऑफ लक।